जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता चिंतित कर रही है? और क्या वक्त गुजरने के साथ अपनी छवि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हद से ज्यादा आत्ममुग्ध हो रहे हैं? वो कौन सा गाना है, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विदेश यात्रा से लौट कर आते हैं, और जैसे ही वो लौट कर आते हैं, पापा की एक परी जो है उनकी सेवा में लग जाती है, रिपोर्टिंग करने लग जाती है। वो क्या ट्वीट करती हैं और उस पर प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ट्वीट आपके स्क्रीन पर। पापा की परी कह रही हैं, ये नजफगढ़ के नुर्शीद अली हैं, आज पालम एयरपोर्ट पर भोर 3 बजे ही पहुंच गए, हाथों से प्रधानमंत्री का चित्र बनाया, खुद को मोदी भक्त नुर्शीद अली कहते हैं, पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं मैं मोदी जी को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि उन्होंने ये किया वो किया। अब चलिए, पापा की परी ने जो कहा सो कहा। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हुआ था और प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, प्रधानमंत्री ने लजाते हुए शर्माते हुए इसका जवाब दिया था, और आज भी उनका भाव कुछ इसी तरह से था। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये करोड़ों देशवासियों का प्रेम और विश्वास ही है जो मुझे नई ऊर्जा से भर देता है और हर पल देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, रिपब्लिक न्यूज की यह खबर देखिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जब मैं ब्रिटेन गया था, यूनाइटेड किंगडम गया था, तब रानी एलिजाबेथ ने मुझे बेटे की तरह ट्रीट किया था, मेरे साथ बर्ताव एक बिल्कुल बेटे जैसा था। आपको देखना चाहिए कि ये जो बयान आया है, ये जो खबर आई है, उसके नीचे लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। इन दो खबरों को बताने का मकसद क्या है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर इस कदर आत्ममुग्ध हैं कि वो भूल गए हैं कि वो राजा नहीं है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो चुनकर आता है। यही वजह है दोस्तों कि नई संसद के उद्घाटन में ना राष्ट्रपति की कोई जगह है ना उपराष्ट्रपति की जगह है, वहां सिर्फ और सिर्फ कैमरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, जो उसका उद्घाटन करने वाले हैं। यह वही आत्ममुग्धता का प्रतीक है, यह हर जगह दिखाई देती है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बड़ा करने के लिए भ्रामक बातें कही जाती हैं, झूठ तक कहा जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जो खबर मैं आपको बतलाने वाला हूं उसमें दो पहलू हैं। पहली बात, अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी ने क्या गड़बड़ की दोस्तों। अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी ने एक पड़ताल किया, एक पोल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं और कितने लोग प्रधानमंत्री को। मसलन अगर आप देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 40% लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं और 23% लोग नापसंद करते हैं। जब राहुल गांधी पर यह सर्वे किया तो चैनल ने क्या बदमाशी की, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी के सूरत में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है कि 26% लोग हमेशा से ही राहुल गांधी को पसंद करते आए थे और 15% लोग भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें पसंद करने लगे हैं। यानी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता है 26% प्लस 15%, विच इज 41%। 41% लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं और अगर आप देख सकते हैं 16% लोग उन्हें नापसंद करते हैं। अब इससे तुलना कीजिए प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री को 23% लोग नापसंद करते हैं। मगर इसमें बदमाशी क्या है दोस्तों, बदमाशी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो एक मुश्त 40% बता दी गई, मगर राहुल गांधी की लोकप्रियता को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो वो लोग जो हमेशा से ही राहुल गांधी को पसंद करते थे और एक वो लोग
जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें पसंद करने लगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो प्रधानमंत्री से 1% ज्यादा है, मगर चैनल ने बदमाशी करते हुए उसे बांट दिया। यही सब किया जा रहा है दोस्तों। हाथ कंगन को आरसी किया। एनडीटीवी जो एक जमाने में जबरदस्त पत्रकारिता का प्रतीक हुआ करता था, आप उनके न्यूज ऐप में जाइए और इसी तरह की खबरें मिलेंगी आपको। इन तमाम खबरों में आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करते हुए देखा जा सकता है। यानी कि चाहे पापा की परियां हो, चाहे उनके परम मित्र गौतम अडानी का न्यूज चैनल, सभी प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, उनकी तारीफ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक के नतीजों ने बीजेपी को अंदर से बुरी तरह से हिला दिया है। इसीलिए सिडनी में हुई एक चुनावी रैली को देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ा जा रहा है। न सिर्फ स्वाभिमान के साथ जोड़ा जा रहा है दोस्तों, बल्कि उसको लेकर कई झूठी बातें की जा रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक न्यूज डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्वक्ता सुधांशु त्रिवेदी, दरअसल सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के एकमात्र प्रवक्ता हैं जिन्हें थोड़े सलीके से बात करनी आती है, मगर यह भी गलत बयानी करते हैं। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन के एक अखबार ने 2014 में जब प्रधानमंत्री चुनकर आए थे तो उसकी तुलना ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से की थी। वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण जो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने दी थी। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, क्या गलत बयानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, सुनिए। इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा कि 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए और मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन शुड बी कंसीडर्ड एज इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड इट शुड बी कंसीडर्ड विद द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। सुधांशु त्रिवेदी, पहले तो मुझे ये बताइए कि ब्रिटेन में कौन सा अखबार संडे गार्डियन है? संडे गार्डियन तो भारत का एक अखबार या एक पत्रिका है ना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं लंदन में बसी पत्रकार पूनम जोशी क्या कह रही हैं, क्या नसीहत दे रही हैं सुधांशु त्रिवेदी को और किस तरह से उनकी पोल खोल रही हैं। आपके स्क्रीन पर पूनम जोशी का यह बयान सुनिए। सुधांशु जी, लंदन का कोई संडे गार्डियन नहीं है, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। संडे गार्डियन नाम से किसी ने इंडिया में अपनी फेक दुकान खोल ली है। आप कंफ्यूज हो गए हैं। कहने का अर्थ क्या है? भारतीय जनता पार्टी के आपको तमाम प्रवक्ता मिलेंगे जो प्रधानमंत्री के नाम पर या तो भ्रामक बातें करते हैं या झूठ बोलते हैं, और बार बार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। वो प्रधानमंत्री का ही मंच था ना, वो प्रधानमंत्री का ही मंत्र था ना। क्या था वो मंत्र? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो, ये प्रधानमंत्री का ही मंत्र था। उस मंत्र का अनुसरण उनके प्रवक्ता लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश है प्रधानमंत्री की छवि को बड़ा करना। असुरक्षा है राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से। यही वजह है कि उन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है एक ऐसे मामले में जिसमें ढेरों सवाल हैं। उनकी संसद की सदस्यता खारिज कर दी जाती है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। इस कदर असुरक्षा है राहुल गांधी से, मगर प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं किया जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री के पक्ष में जो बात सामने उभर कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया का आपने नजारा देखा सिडनी के स्टेडियम में, उसे भारत के स्वाभिमान के साथ जोड़ दिया गया। अब 22 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह की रैली होगी और वहां पर भी जो बाइडेन भीड़ में शामिल होंगे और उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। और इसके पीछे की मानसिकता समझिए, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बीजेपी कभी भी विकास की बात नहीं करती, बीजेपी बात करती है सांप्रदायिक उन्माद की, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की, प्रधानमंत्री की एक सेनापति जैसी छवि की, एक सैनिक, एक योद्धा की छवि की। वजह क्या, मैं आपको बताता हूं, आखिर क्यों सिडनी में हुई रैली या फिर अमेरिका में इसी तरह से जब वो एनआरआईज को संबोधित करेंगे, आखिर क्यों इसे चुनावों में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी देश की जनता को यह बतलाना चाहती है कि देखो, जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं दुनिया को
जब वो मंच पर खड़े रहते हैं तो भीड़ में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिका का राष्ट्रपति भी उन्हें सुन रहा होता है, भीड़ में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी उन्हें सुन रहा होता है, यह बतलाने के लिए उनके अंध भक्तों को या उन लोगों को जिन्हें ब्रेन वॉश किया जा चुका है, कोई ये नहीं समझा रहा कि ये जो तमाम नेता वहां पहुंचते हैं उनके भी अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, दोनों अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो अमेरिका पहुंच रहे हैं मगर आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के अंदर धार्मिक आजादी पर खतरा है और हमला किस पर किया जा रहा है? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी। क्या कोई ये सवाल पूछेगा कि समानांतर तौर पर अमरीकी विदेश मंत्रालय भारत पर ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए क्यों हमला कर रहा है? कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, याद कीजिएगा, जब देश में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे, याद है कि नहीं आपको, या भूल गए? चीते लाए गए थे, न्यूज चैनल्स ने इस तरह का कचरा प्रोपेगेंडा चलाया गया था जिसमें यह तक कहा गया था कि शेर लाया चीता। हमारे न्यूज चैनल्स प्रधानमंत्री को शेर बना रहे हैं। अरे भाई, वो एक इंसान है, उन्हें इंसान बने रहने दीजिए, या तो भगवान बनाते हैं या शेर बना देते हैं। तो इस तरह का कचरा प्रोग्रामिंग चलाया गया था और उसे प्रधानमंत्री की शख्सियत के साथ जोड़ दिया गया था कि देखो प्रधानमंत्री चीते लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं पिछले 2 महीनों में, ये देखिए, ये हैं चीते के शावक, 2 चीते के शावकों की मौत हाल ही में हुई है। एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था, इनमें से 2 की मौत हो गई है, 1 की हालत गंभीर है। कहने का अर्थ क्या है, पिछले 2 महीनों में 6 चीतों की मौत हो गई है। याद कीजिए, जब चीतों को लाया गया था तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि के साथ जोड़ा गया था मगर भारत के अंदर चीतों की लगातार मौत हो रही है। क्या आज कोई सवाल पूछ रहा है, कोई न्यूज चैनल पूछ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा? डंके की चोट पर छाती पीट कर कहा गया था प्रधानमंत्री चीते लेकर आए हैं, 6 चीते मर गए 2 महीने में। क्यों? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क की जो गर्मी है चीते बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 50 डिग्री तापमान पहुंचता है, चीते बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर वाल्मिक थापर, जो कि टाइगर एक्सपर्ट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 300 साल का इतिहास है, भारत में कभी भी चीते नहीं बचे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि जब पहला चीता लाया गया था तभी मैंने चेतावनी दी थी कि भारत में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, चीते को घूमने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, ग्रासलैंड्स चाहिए, लंबे चौड़े मैदान चाहिए, मध्य प्रदेश भारत की कोई भी जगह उनके लिए माकूल नहीं है। वाल्मीकि थापर लगातार प्रधानमंत्री को चेतावनी देते रहे कि मोदी जी मत कीजिए ऐसा, मगर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी छवि को उबारना था, उनके प्रचार तंत्र को उन्हें शेर बताना था, इसीलिए चीते लाए गए और पिछले 2 महीने में करीब 6 चीते मर गए हैं। किसकी जवाबदेही बताइए, क्योंकि देखिए लाए तो गए थे प्रधानमंत्री की जिद से, प्रधानमंत्री को हर चीज में क्रेडिट लेना है, श्रेय लेना है, इस तरह की आत्ममुग्धता है। आप कल्पना करेंगे, प्रधानमंत्री ब्रिज का भी उद्घाटन करते हैं, वंदे भारत का भी उद्घाटन करते हैं, यहां तक कि पीडीएफ का भी उद्घाटन करते हैं, हर चीज का उद्घाटन करते हैं वो। सबसे बड़ी बात, आपने खुद ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा था, वो तस्वीर हमारे सामने है, आज वो चीते मर रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं, क्यों नहीं है मैं जानना चाहता हूं। ये जो तमाम मिसाल मैंने आपको दी, चाहे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो, प्रधानमंत्री का लौटना हो, चीतों की मिसाल हो, ये तमाम मिसाल साबित करती हैं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मोदी, और उनसे जुड़ी है उनकी आत्ममुक्तता, खुद से मोहब्बत। जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं, तब आपको देश की जनता की परवाह नहीं होती है। प्रधानमंत्री, आपको यह याद करना होगा, ये देश
बहुमत की राय से चलता है। नई संसद का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ आपका निजी आयोजन हो गया है। ना यहां विपक्ष है, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद, क्योंकि वो भी आपके सामने नतमस्तक हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर जरूरत से ज्यादा आश्रित होने की वजह से हो क्या गया है कि भारतीय जनता पार्टी बतौर पार्टी खोखली होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक सीन से अलग होंगे, रिटायर हो जाएंगे, वो दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े संकट काल के तौर पर सामने उभर कर आएगा। मगर हां, आपके हाथ में कई हथियार हैं। मसलन साल के अंत में काउंटडाउन शुरू हो जाएगा राम मंदिर के कपाट खुलने को लेकर। जनवरी में या उससे पहले धार्मिक उन्माद के नाम पर देश की जनता को एक बार फिर ब्रेन वॉश किया जाएगा, एक बार फिर मुद्दे जो हैं बौने हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, और श्रद्धेय भगवान श्री राम के नाम पर समाज के अंदर फिर से उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। तो खेल सारा प्रधानमंत्री के करिश्मे उनकी छवि को उबारने का है, और इसमें इनका पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।